आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। सातवें और अंतिम चरण के लिए बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सातवें चरण में किस पार्टी के पाले में कितनी दागी चुनाव में उतरे हुए हैं और कितने करोड़पति चेहरे हैं, कितने पढ़े लिखे चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर इलेक्शन वॉच और एडीआर ने सभी दलों के प्रत्याशियों की कुंडली जारी की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। सातवें और अंतिम चरण के लिए बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सातवें चरण में किस पार्टी के कितने दागी चुनाव में हैं, कितने करोड़पति और कितने पढ़े लिखे चुनाव लड़ रहे हैं, इसे लेकर इलेक्शन वॉच और एडीआर ने सभी दलों के प्रत्याशियों की कुंडली जारी की है। गौरतलब है कि यूपी में 7 मार्च को सातवें चरण का मतदान होगा और सातवें और अंतिम चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे 607 उम्मीदवारों में से 28% यानी 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 131 प्रत्याशियों पर हत्या, लूट, डकैती जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के 45 उम्मीदवारों में 26 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। बीजेपी के 47 में से 26 पर, बीएसपी के 52 में से 20 पर, कांग्रेस के 54 में से 20 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं गंभीर अपराधों में दर्ज केस की बात करें तो एसपी के 45 में से 20 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। बीजेपी के 47 में से 19 प्रत्याशियों पर, बीएसपी के 52 में से 13 पर, कांग्रेस के 54 में से 12 और आप पार्टी के 43 में से 7 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सातवें चरण में अगर सबसे दागी उम्मीदवारों की बात करें तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से भदोही ज्ञानपुर सीट से चुनाव लड़ रहे विजय मिश्रा सबसे ऊपर हैं। विजय मिश्रा पर 24 केस दर्ज हैं। गाजीपुर के बीएसपी प्रत्याशी राजकुमार गौतम पर 11 मामले दर्ज हैं और कांग्रेस के पिंडरा विधानसभा से प्रत्याशी अजय राय पर 17 मामले दर्ज हैं। तो उधर अमीर प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो सातवें चरण में 607 में से 217 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बीजेपी के 40 प्रत्याशी, सपा के 37, बसपा के 41, कांग्रेस के 22 और आप पार्टी के 15 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इन करोड़पति प्रत्याशियों में आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट से AIMIM के प्रत्याशी गुड्डू जमाली सबसे ऊपर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 195 करोड़ है। वहीं पिंडरा विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी बाबूलाल के पास 44 करोड़ की संपत्ति है और आजमगढ़ के निजामाबाद सीट से बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर प्योर सिंह यादव के पास 34 करोड़ की संपत्ति है। सातवें चरण में प्रत्याशियों की औसत संपत्ति की बात करें तो ये 2,55,00,000 रुपए है। तो वहीं दागी करोड़पति उम्मीदवारों के बाद अगर हम प्रत्याशियों की शिक्षा की बात करें तो 214 उम्मीदवारों ने 5वीं से 12वीं के बीच की पढ़ाई की है, 346 ग्रेजुएट और उससे अधिक पढ़े हैं, 30 उम्मीदवारों को सिर्फ अक्षर ज्ञान है और 4 तो साक्षर भी नहीं है। फिलहाल 7 मार्च को यूपी के अंतिम चरण का चुनाव है और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और चुनाव परिणाम के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि यूपी में किसको जीत हासिल होगी और किसकी हार होगी।
तो आपने जाना कि सातवें चरण में किस पार्टी के कितने दागी चेहरे हैं, कितने करोड़पति और कितने पढ़े लिखे चेहरे हैं। ऐसे ही हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।